होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि रत्नम ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी सावन। कल सावन चढ़ गया है, कल संडे 25 तारीख को सावन आ गया है एंड आज है सावन का फर्स्ट सोमवारी। कितना स्पेशल है ना, तो इसलिए आज मैंने फास्ट किया है। फास्ट में हूँ मैं। जितना भी सोमवारी होता है ना सावन में, मैं हमेशा हर साल करती हूँ, तो आज भी मुझे करना है, जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। और ये रहा मेरा मेहंदी। कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन सामने से इतना डार्क हुआ है ना, एकदम डार्क ब्लैक मरून टाइप का हो गया। पीछे ऐसा है, पीछे तो थोड़ा सा कम ही कलर आता है और आगे तो बहुत ज़्यादा आया है। और ग्रीन ग्रीन चूड़ी, ये रहा। यहाँ पे ग्रीन चूड़ी मिलना, ग्रीन नहीं कोई भी कांच की चूड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक है दुकान जो मैं जानती हूँ, लास्ट ईयर भी वहीं से लाई थी, तो कल वही गई तो मिल गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ग्रीन चूड़ी एटलीस्ट मिल गया, मैं पहन ली। और ढेर सारा मैंने खरीद के लाया है और पूरा भर भर के हाथ मैंने पहना। कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन पूरा पैक है। और उसके बाद ये वाली साड़ी, ये वाला ब्लाउज मैंने दिखाया ना अभी लास्ट इसमें साड़ी कलेक्शन में। तो चलिए ठीक है, मैं अभी फुल रेडी हो गई हूँ, सब कुछ ग्रीन मेकअप, ग्रीन आईलाइनर, ग्रीन इयररिंग, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन सब कुछ, ग्रीन बिंदी। एंड अब चलिए, ढेर सारी बातें हो गई, कल से ये वीडियो मैं स्टार्ट की हुई हूँ। तो अब चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। आई होप कि मुझे आज मंदिर जाने मिल जाए, मंदिर खुला हो। पता नहीं, कुछ पता नहीं मुझे, बट मैं पता लगाऊंगी और मैं मंदिर शाम तक तो जरूर जाऊंगी। बट उससे पहले चलिए घर का पूजा कर लेते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बट थोड़ा सा जैसे मुझे आता है पूजा करना, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब दूसरे रूम में जाते हैं, जिस रूम में भगवान जी हैं, तो पूजा कर लेते हैं। और मेरा थोड़ा सा मैंने आप लोग को भी शेयर किया है एंड
पता है कितना टाइम हो गया है, 3:30-4:15 का टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है। एंड पूजा तो करते तो फैन वैन सब ऑफ करके करते हैं ना, बिकॉज दिया बुझ जाता है। तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए फाइनली पूजा हो गया है एंड मैंने थोड़ा सा दूध, फूल, बेलपत्र, प्रसाद जो भी कुछ होता है सारा थोड़ा थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शाम रात से पहले मैं मंदिर जरूर जाऊँ। देखती हूँ क्या होता, नहीं पता। तो एक्चुअली ये जो पूजा होता है ना सोमवारी, तो मंथ में तो 4-4 होते हैं ना, इसलिए इसमें एक टाइम कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब मैं खाती हूँ। तो अभी नहीं, जब मैं रात में मंदिर से आ जाऊँगी ना, उसके बाद ही कुछ भी फ्रूट्स खाऊंगी, या जो भी मुझे खाना होगा मैं रात को ही खा पाऊंगी, क्योंकि अभी पूजा करना बाकी है। तो फ्रूट्स का तो पता नहीं, फ्रूट्स तो ज़्यादा कुछ खाया जाता नहीं। मेरे पास ये है साबूदाना, तो इसको मैं भिगोने डाल देती हूँ अभी 3-4 घंटे में, जब तक, अब 4 तो बज ही रहे हैं, देखती हूँ 6-7 बजे तक कब मैं मंदिर जाती हूँ, अभी कुछ नहीं पता है। जब तक ये अच्छे से भीग जाएगा, सोक कर लेगा, तो मंदिर से आने के बाद फिर मैं खीर बनाऊँगी। साबूदाने का जो खीर होता है ना, आप फास्टिंग में खा सकते हो। तो चलिए पहले मैं इसको भिगा के रख देती हूँ, 2-3 घंटे तक अच्छे से भीग जाएगा। और फिर जब मैं मंदिर जाऊंगी ना, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मंदिर में। अब लेकिन अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं मंदिर जाऊंगी कि नहीं। तो चलिए पहले इसको भिगा के रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास है भी टाइम बचा हुआ है, तो थोड़ा एक दो शॉर्ट वीडियो ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं फास्टिंग में कितना कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई करती हूँ। एंड मैं आप लोगों से अब डायरेक्ट नाइट को, इवनिंग तो होने वाली है, तो नाइट को मंदिर के टाइम पर मिलती हूँ।
मंदिर से आ गई हूँ। एक मंदिर में गई वो बंद, दूसरा में गई वो भी बंद, थर्ड मंदिर खुला हुआ था और फाइनली पूजा हो गया है। और पता है सुबह से मैंने ना पानी भी नहीं पिया, बिकॉज ये सेम ड्रेस में मुझे मंदिर भी जाना था ना, तो पानी वानी पी लेती मैं, चाय वाय पी लेती तो फिर कैसे पूजा करती सेम साड़ी में, इसलिए मैंने पानी भी नहीं पिया। अब भी जब आई हूँ ना तो मैं पानी पी हूँ। तो चलिए फाइनली अभी रात का टाइम है, 7:30 में वो आए ही हैं ऑफिस से, उसके बाद हम लोग गए हैं तो इसलिए देर भी हो गई। अभी तो 8:45 भी हो रहा होगा मे भी। तो चलिए, वो जो साबुदाना मैंने भिगोया था ना, ये देखिए भीग गया इतना, काफ़ी घंटे हो गए ना, इतना ज़्यादा हो गया, पता है मेरे को अंदाज़ा नहीं था, मैंने पूरा ही पैकेट डाल दिया और देखिए कितना हो गया है। तो और अभी इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है यार, पूरा दिन फास्टिंग में, ऊपर से साड़ी में और इतना रेडी वेडी होके। तो साबुदाना मैंने बनाऊंगी, साबुदाना वो बनाएंगे हस्बैंड। तो चलिए, अब मुझे बनाना तो है नहीं कि मैं शेयर करूँ, और कुछ नहीं, दूध बॉयल करना है, भीगा हुआ साबुदाना है वो डाल के थोड़ा सा जब कुक हो जाए तो चीनी डाल देना और कुछ नहीं। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, एंड हैप्पी श्रावण एंड हैप्पी सोमवारी, ठीक है फिर, ओके बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।